कबीर अमृत वाणी उपदेश गुरु ज्ञान का महत्व। जो तोको काटा बुवे तो ही बुवे तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम्हारा कोई बुरा करे तो भी तुम सदैव उसका भला ही करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा और उसके बुरे कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नाम बजो मन बसी करो, यही बात है तंत, काहे को पड़ी पची मरो, कोठिन ज्ञान गिरंथ। ईश्वर का नाम जपो तथा उनका ही स्मरण करो तथा अपने चंचल मन को अपने वश में रखो, यही बात परम सत्य है। बहुत सारे ज्ञान ग्रंथों को पढ़ पढ़कर क्यों मरते हो? गुरु ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। काम क्रोध तृष्णा तजे, तजे मान अपमान, सदगुरु दया जाही पर जम सिर मर दे मान। काम क्रोध लोभ मान अपमान को त्याग दो, ऐसा करने से तुम पर सदगुरु की कृपा होगी और तुम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात संसार के इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। मान अभिमान न कीजिए कही कबीर पुकार, जो सिर साधु न नमे सो सिर काटी उतार। कबीर दास जी कहते हैं कि मान अभिमान मत करो, जो सिर सज्जन पुरुषों के सामने नहीं झुकता है ऐसे सर को काट देना चाहिए। मांगन को भल बोलनो, चोरन को भल चूप, माली को भल बरसनो, धोबी को भल धूप। याचक भिक्षुक को बोलने से, चोरों को मौन रहने से, माली को बारी से तथा धोबी को धूप से लाभ होता है, अर्थात इन सबसे ही उनका कार्य सहज होता है। गारी ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो संत है लागी मरे सो नीच। गाली से ही कलह कलेश झगड़े मारपीट आदि उत्पन्न होते हैं। जो गाली सह लेता है अर्थात इन झगड़ों से दूर रहता है वही संत होता है, और जो इसे सहन नहीं कर पाता अधम व्यक्ति होता है तथा उन्हीं से उत्पन्न झगड़ों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बंदे तू कर बंदगी जो पावे दीदार, ओसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। हे मनुष्य तू तो ईश्वर की भक्ति कर तभी तुझे साक्षात दर्शन प्राप्त होगा, ये मनुष्य जीवन तुझे प्राप्त हुआ है इसे व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। हाड बड़ा हरि भजन करी, द्रव्य बड़ा कछु देहे, अकल बड़ी उपकार करी जीवन का फल ये। यदि आप स्वस्थ हैं तो प्रभु का भजन ध्यान करना चाहिए तथा यदि आपके पास धन अधिक है तो दान करना चाहिए, क्योंकि परोपकारी मानव जीवन का सच्चा फल है। धर्म किए धन ना गठे नदी न गठे नीर, अपनी आंखों देख ही ले यूं ही कभी कहीं कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक कर्मों को करने में जो धन व्यय होता है वह कभी घटता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह नदी से जल निकल जाने पर भी नदी का जल घटता नहीं है। कहते को कही जान दे गुरु की सीख तू ले, साकट जन ओ स्वान को फेरी जवाब न दे। यदि कोई तुम्हारे बारे में अपशब्द कहता है तो उसे कहने दो, तू तो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चल। अज्ञानी कुत्ते के समान होते हैं, यदि कुत्ते भौंकते हैं तो ज्ञानी लोग उसे मुड़कर जवाब नहीं देते हैं। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे सुख होई। कबीर दास जी कहते हैं कि भले ही तुम्हें कोई ठग ले, लेकिन तुम किसी को कभी मत ठगो, क्योंकि तुम्हें अपने आप को ठगे जाने से तो सुख मिलेगा परंतु दूसरों के साथ छल करने से सदैव दुख ही झेलना पड़ेगा। कहे कबीर दे तू जब लग तेरी दे, देखे होई जाएगी
कौन कहेगा दे। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक यह मानव शरीर जीवित है तब तक जितना परोपकार दूसरों की सेवा दान पुण्य कर सकते हो कर लो, जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तब तुमसे कौन कुछ मांगेगा। सत ही में सत बाटई रोटी में ते टूक, कहें कबीरता दास को कबू न आवे चूक। जो मनुष्य सदैव दूसरों के लिए भी अच्छे कर्म करता है और अपने रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर भूखे व्यक्ति को दे देता है, अर्थात जिसके पास थोड़ा बहुत है उसे भी दूसरों के बारे में सोचता है, ऐसे मनुष्य को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। दुर्बल को न सताई ये जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लो बसम होई जाए। किसी कमजोर दुखी को कभी नहीं सताना चाहिए, उसकी आह बहुत ही भारी पड़ती है। जिस प्रकार हवा करने वाली धोंकनी लोहे को भी भस्म कर देती है, उसी प्रकार उसकी हाय भी तुझे भस्म कर देगी। या दुनिया में आए के छाड़ी दे तू ऐंठ, लेना होय सो ले ही ले उठी जात है पेट। कबीर दास जी कहते हैं कि तू इस दुनिया में आया है तो अपने घमंड को त्याग दे, यह मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है, अतः तुझे जो भी उत्तम गुण श्रेष्ठ संस्कार लेना है तू इस संसार रूपी बाजार से ग्रहण कर ले, नहीं तो यह बाजार उठ जाएगा।